हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपना चेतक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पटना की ओर, क्योंकि थोड़ा काम था इसकी वजह से हम हाजीपुर विजिट किए थे, तो चलते हैं। आप लोग रास्ते में क्या क्या एक्टिविटी होती है वो आपको दिखाते हैं, तो इसके यूट्यूब बने रहें और ये आपको जो रोड दिख रहा होगा ये हम पहुंच चुके हैं। ये महुआ वाला रोड था जो कि आप देख रहे हैं, ये जो सीधे रास्ता जाता है ये चला जाता है पटना की ओर, और बैक में जाइएगा बैक वाला सीधे अपोजिट साइड से जो रोड है वो चला जाता है आपका मुजफ्फरपुर की तरफ। सो आप लोग देख पा रहे होंगे सामने, पता है गाइस यहाँ से पटना 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और चलिए देखते हैं कितने टाइम में पटना टेक ऑफ करते हैं। सो आप लोग यूँ वीडियो में बने रहें, ब्लॉग में, और आप लोग यूँ देखते रहें। ये फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं और आगे हाजीपुर जहाँ से टर्न ऑफ होता है, जहाँ से स्टेशन के तरफ रास्ता जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बट उधर जाना नहीं है, हमें तो जाना है पटना की ओर, तो उधर नहीं जाना है जाने का, और आपको फिर भी यहाँ से हम डायरेक्शन से दिखा देंगे और आपको पता चल जाएगा किधर है। जो भी भाई जंक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, सामने सीधे देख सकते हैं फ्लाईओवर है, यहाँ पर ब्रिज है बना हुआ, सीधे अगर जाएँगे, और ये सीधे चेक पोस्ट है, सीधे अगर जाएँगे साइड से ये टर्न है, यहाँ से जिधर साइकिल मुड़ा है उधर जाएंगे, तो आप चले जाएंगे जंक्शन की ओर, और ये चल दिए हम अपने पटना राजधानी की ओर, कैपिटल की ओर। सो चलिए अपने चेतक से रास्ते को चीरते फाड़ते, अपने दूरी को ख़त्म करते हुए पटना की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं गाइस, ये कोलंबर है। सो इधर यहाँ से गांधी सेतु के तरफ रास्ता मुड़ता है, यहाँ से गांधी सेतु 6 किलोमीटर की दूरी पर। सो चलिए वीडियो में बने रहा है, और देखिए ये बस वाला कितना गड़बड़ कर रहा है, साइड में थोड़ा भी साइड देने का नहीं, ये थोड़ा साइड दे देता भाई, हल्का साइड मिल जाता तो गाड़ी को खींच लेते आगे, बट ये नहीं दे पा रहा है। सो गाड़ी को थोड़ा स्लोली में ले जा रहे हैं, इसी वजह से देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे जड़वा है और जड़वा के तरफ रास्ता इधर मुड़ता है, और यहाँ पे आपका चेक पोस्ट भी लगा रहता है, आप हमेशा हेलमेट का यूज़ करें। अरे भाई क्या यार दोस्त ऐसे करोगे भाई। सो देखें अभी बाल बाल बच गया भाई, नहीं तो अभी क्या हो जाता पता नहीं, शायद अपना चेतक रनिंग में नहीं था इसकी वजह से, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। एनीवे चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा लोकेशन है, और आपको लगता होगा कि इतना दिन पहले से आपका भाई ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। सो आपको हम बताएंगे कि आपका भाई क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि आपका भाई किसी काम की वजह से बहुत बिजी था। ये देख सकते हैं पटना, ये बस पटना की ओर जा रहे हैं, लोकल बस है, यात्री को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट छोड़ता है। तो देख सकते हैं गाइस, इसे यहाँ के लोग वैशाली मोड़ भी बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वैशाली, जहाँ वैशाली, इस धरती का नाम वैशाली बहुत ही पुराना, इसका प्राचीन एक प्राचीन मेरे पूर्वज लोग बताते थे, यहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी जो कि मोना लिसा नाम की एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी, इसी के वजह से यहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट नाम पड़ा। और देख सकते हैं एनीवे हमको उतना नॉलेज नहीं है इनके बारे में,
कभी भी ऐसा कुछ एक्सपर्ट मिलेगा तो हम जरूर साझा करने का काम करेंगे। देख सकते हैं सामने आपका आ गया गंगा ब्रिज और ये हॉस्पिटल खुला है छोटा सा, क्योंकि बहुत कुछ होते रहता है यहाँ पे ब्रिज पे एक्सीडेंट वगैरह, इसी के कारण लोकल अस्पताल बना दिया गया है, हॉस्पिटल बना दिया गया छोटा सा मिनी हॉस्पिटल, जिसे आप मिनी हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। और ये आपका गांधी सेतु सेकेंड वाला ब्रिज, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल में ही ओपनिंग करके गए हैं। अपना चेतक बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, नहीं तो अभी तो हवा के तरह अपना चेतक उड़ता चलता। देख सकते हैं गाइस, ये पिंक, ये ऑरेंज कलर का जो कार है काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है। इसको साइड में लेते हुए निकले, देख सकते हैं सामने गुरुद्वारा दिख रहा होगा आपको, गुंबज टाइप में आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, वो गुरुद्वारा है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है गुरुद्वारा, साइड में देख लीजिए आप, क्लोज थोड़ा बहुत क्लोज दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा चेक पोस्ट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ गंगा ब्रिज का जो प्रशासन है पटना पुलिस, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है पटना पुलिस, थैंक यू सो मच पटना पुलिस, जो इतना एक्टिव रह के वर्क करते हैं, आप लोग दिल से सैल्यूट है। देख सकते हैं सभी पुलिस वाले को तो आप रिडार पे लेके नहीं बोल सकते हैं कि सभी पुलिस वाले गलत हो गए, लेकिन होते हैं कुछ जिसके कारण से सभी पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं। और ये सामने रहा आपका राजधानी में आपका स्वागत है, फाइनली हम पटना में एंटर कर गए हैं, देख सकते हैं ये रहा अपना पटना शहर, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हरियाली, यार कितना गजब का लोकेशन है यार, ऐसा लगता है कि हमारे पटना जैसा शहर कहीं पे नहीं है, एवरीथिंग कहीं पे नहीं है, क्योंकि यहाँ का लोकेशन गजब का है भाई, गजब का। सरते आपका यहाँ से लेते हैं टर्न और चलते हैं, ये रास्ता पता है कहाँ जाता है, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं और आप खुद देख लेना ये रास्ता कहाँ जाता है, कितना देखिए यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट, बहुत फिल्म अभिनेता यहाँ पे आके शूट भी करते हैं, देख लीजिए नीचे से साइड से आप गाय घाट की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, जय माता रानी। और ये जो आप ब्रिज देख रहे होंगे, ये फ्लाईओवर पे हमको चढ़ना है और इसके लिए थोड़ा अपने चेतक को और रनिंग करना पड़ेगा, चलिए चलते हैं इस ब्रिज पे चढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे घर की ओर, यहीं से अपने चेतक को टर्न लेते हैं और चलिए ब्रिज पे चढ़ा जाए या। लेकिन खैर ये रॉन्ग साइड था ऐसा नहीं करने का, क्योंकि बहुत गलत है ये रॉन्ग साइड में, आप लोग से रिक्वेस्ट है ये रॉन्ग साइड का यूज़ ना करें, हमेशा गाड़ी या बाइक ड्राइव करें तो सेफ ड्राइव करें, हेलमेट का यूज़ करें हमेशा, जैसे हम कर जूता का यूज़ करें, और हाँ हैंड में हैंड ग्लव्स यूज करें और सेफ ड्राइव करें, क्योंकि घर पे आपके माँ आपका बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही होती होगी, इसी वजह से यही सोच के यही माइंड में लेके आप निकलिए, और यही सोच के ये कुम्हरार पार्क के साइड में यही सोच के आप निकलिए, क्योंकि हर हर किसी के आगे ना पीछे सोचने वाला होता है, इसी की वजह से आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दे के ना, थोड़ा फैमिली पे ध्यान दे के सेफ ड्राइव करें, ताकि आप घर तक सही सलामत पहुंच सके। फिर मिलते हैं, आपका भाई मिलता है अगले नेक्स्ट एपिसोड में।
तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आई लव इंडिया, आई लव पटना।